सैमसंग गैलेक्सी M31। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है गाइज, सैमसंग का M31 आने वाला है, और मैंने आप लोग कुछ दिन पहले वीडियो बना के बता भी दिया था। और गाइज यहाँ पे अब इसके जो है ऑफिशियल ये कंफर्मेशन आ चुकी है, और मतलब इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कैसा और कैसा नहीं होने वाला है फोन। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से आप लोग कर लीजिए, और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग का M31 होने वाला है भाई, आप लोगों को पता है M30S इतना बढ़िया स्मार्टफोन है, और अभी भी है, और इतना बढ़िया स्मार्टफोन है। तो अब आने वाला है सैमसंग का M31, और इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हो इस फोन के डिजाइन के मामले, बात करते हो इस फोन के यहाँ पे डिजाइन के मामले गाइस। तो यहाँ पे हमें जो जैसा A51 में लुक आया था, वैसे ही इस फोन में हमें देखने मिलने वाला है डिजाइन। तो देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ डिजाइन हमें मिल जाने वाला है, ग्लास बॉडी नहीं, हमें बोल सकते पोली कार्बोनेट है शायद से ये, तो डिजाइन इतना बढ़िया नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। वही बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में गाइस, यहाँ पे मिलने वाला है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD+ डिस्प्ले होगा, सेंटर में पंचोल होगी, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो डिस्प्ले इस फोन का मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, बिकॉज 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD है, और सेंटर में एक पंचोल देते, वो आज जो अभी नया ट्रेंड निकल गया है ना, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल इस फोन का जो डिस्प्ले है, इस प्राइस के जिस हिसाब से ये आ रहा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा डिस्प्ले है इस फोन का। वहीं बात करते हैं इस फोन की चिपसेट के बारे में, यहाँ पे इस फोन की जो चिपसेट है, दो लीक्स आ रही हैं। अब भाई ये दो लीक्स में क्या होता है, मैं पहली लीक बता दूं, इसमें लीक आ रही है कि एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट आएगा। भाई ये जो चिपसेट है, ये बहुत बहुत लो, मतलब इस अब जमता नहीं है, अब मतलब आता है तो मुझे नहीं लगता सैमसंग इस फोन को कहीं भी स्टैंड कर सकता है। और दूसरी लीक गुड न्यूज वाली है, वो है एक्सिनोस का 9630 का चिपसेट, जो बहुत पावरफुल चिपसेट है, और इस प्राइस में आता है, धूम पावरफुल चिपसेट है, और आई थिंक ये चिपसेट आता है तो 15,000 रुपये में से, मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर, और बहुत अच्छी आपको फोन आपका अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चलने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, मेन कैमरा इस फोन में मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, सैमसंग का GW वाला सेंसर, तो बढ़िया है, रियर कैमरा बहुत बहुत अच्छा होने वाला है उसके, तो अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, ये तो आजकल चलता ही रहता है। सेल्फी कैमरा बात करते हैं, सेल्फी भी यहाँ पे हमें जो है वो मिल सकते हैं, अराउंड लिख ली थी 25 मेगापिक्सल की सेल्फी, सेंटर में देखते हैं पंचोल मिलने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था, तो सेंटर में 25 मेगापिक्सल की सेल्फी, ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया है। वही बात करते हैं बैटरी के बारे में, इस फोन में हमें मिलने वाली 5000 mAh की बैटरी। हाँ गाइस, आप लोगों को पता है M30S में हमें मिली थी 6000 mAh की बैटरी, इस फोन में मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, बिकॉज यार कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज M30S आपको याद है 6000 mAh बैटरी मिला था, मतलब इतना ना हमें भारी मिला ना इतना मोटा मिला। और अब ये फोन और स्लिम होगा M31, क्योंकि इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी भी होगा, उसमें हमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होने वाला है, तो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। जो अगर बात करते हो, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, एंड ये MIUI सॉरी ये One UI 2 के साथ रन करेगा, MIUI तो कहाँ, Xiaomi आ जाता है, One UI 2 के साथ रन करेगा। ये है पूरा यहाँ पे सैमसंग का M31 जो हमें मिलने वाला है बहुत जल्द। बात करता हूँ प्राइस के बारे में, इस फोन का प्राइस होगा अंडर 15,000 रुपीज। हाँ गाइज, मतलब 15,000 के अंडर ये फोन आपको देखने मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, मैं तो आपको बोलूंगा तो वेट कर लो, बिकॉज अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है। जिनको सैमसंग लवर हैं, जिनको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और कैमराज अच्छे चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, तो आई थिंक जो सैमसंग लवर है इस फोन का जरूर वेट कर सकते हैं। और प्राइस भी आप देख लिए, मैंने सबको बताया 15,000 के अंडर ही आता है, तो बढ़िया है। M30S भी अच्छा है, अभी भी M30S कभी कभी सेल में अच्छा ऑफर में आ जाता है, तो वो भी आप चाहें तो वो ले सकते हैं। तो बस गाइज, ओवरऑल आप बताइए मुझे कमेंट करके, आप लोगों को क्या लगता है M31 के बारे में, एंड ये गिंच बैंक में सॉरी कहीं लीक निकल के आई थी इस फोन के बारे में, तो मैंने इसलिए सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, और ये सब लीक्स थी, अब लेट्स सी कंफर्म क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग का क्या राय है इस बारे में। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से आप लोग कर लेना, मैं अभी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ आजकल। तो बस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।